सीएसआईआर ने गंगा यमुना दुआब में जलभृत और विलुप्त भूमिगत नदी के मानचित्र का अनावरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रयागराज और कानपुर के बीच एक विलुप्त नदी खोजी गई है, जहां शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि गंगा यमुना सरयू गंडक राप्ती और कई नदियों का सहयोग उत्तर प्रदेश में मिलता है। विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिलकर उत्तर प्रदेश और भारत को आगे ले जाएंगे। पुनर्जीवित करने का कार्य सामाजिक संगठन स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा 100 एकड़ भूमि जो कब्जे में था उसको भी छोड़ा और लोगों ने वहां जिंदा किया। साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राज्य के में नई प्रौद्योगिकियों को स्थापित किया गया है। हमारी सरकार ये भली बात समझती है कि हमें जल को बचाना है तो विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की मदद से हम सभी को सफल हो सकते हैं। और साथ ही एक बात से गंभीरता से समझना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में 18-20% का योगदान देता है, लगभग 50% आबादी का रोजगार देता है। पूरी व्यवस्था में सिंचाई स्रोत की दृष्टि भूजल पर 70% से अधिक निर्भरता रहती है। मुझे जानकर खुशी कि हैदराबाद में सीएसआरआई के सबसे उत्तम प्रयोगशाला में से एक एनडीआरआई